आ जाता जी लेकिन है ना थोड़ा सा 2 दिन का हो रहे हैं। और फिर मेन बात बताऊंगे क्या है, जी वो मेरा तो ये मानना है कि आप लोग है ना अब इसको जैसे अभी गड़बड़ हो रहा है ना, जी बच्चे बच्चे कम नहीं हो जाए 2 दिन में है ना। नहीं एक बिल्कुल आगे जैसे बिल्कुल, अब क्या है गड़बड़ बढ़ते जा रहा जिला अध्यक्ष ने कमान संभाल ली है, बोले हम अपने आप से हम लीडरशिप करेंगे, बस कौन इतना है। जिला अध्यक्ष जितने भी जिले हैं ना 10-12 हजार लड़के हैं इको गार्डन, 10-12 हजार जिला अध्यक्षों ने कमान संभाल ली। हाँ अभी जिला अध्यक्षों ने कमान संभाल ली। हाँ हाँ ना बढ़िया है, चलो लड़के तो बढ़ते जा रहे हैं, रोज रोज ज्यादा आ रहे हैं। आप परसों के दिन आओ शाम को, आप एक बार आके जरूर आओ, एक दिन तो रुको आप। ठीक है बहुत जरूरत है आपकी, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, राजस्थानी लड़कों का आपको देख के उत्साह बढ़ जाएगा ज्यादा और आंदोलन जोर पकड़ेगा। भले ही आप कुछ नहीं वो तो हो ही गया, और दूसरा है ना रणनीति बहुत जोरदार तरीके से करेंगे अभी आगे, और ऐसे नहीं काम चलेगा। और दूसरा बताऊंगे क्या चक्कर है, जैसे अधिकारियों से मिलना बात करने का तरीका, फिर अपन सीएम डिप्टी सीएम से बात कर लेंगे ढंग से, जी जी वहाँ पे मुलाकात करेंगे इनसे, तो इतना हो नहीं पाएगा मेरे को पता है। डिप्टी सीएम और सीएम से बात जब तक नहीं होगी ना तब तक इसका समाधान होगा भी नहीं। एनएसएम वाले तो अपने स्तर पे कोई भी गोली दे देंगे मैं बताऊँ। बस एक चीज और थोड़ी सी राय लेनी थी, अभी करंटली अभी न्यूज चली है आज तक पे, ये शिक्षक भर्ती का कोई पुराना मामला था, अब ये 17,000 शिक्षक उड़ा गए और उनको भी इको गार्डन में पटक रहे हैं उठा उठा के, और अभी ये न्यूज चली है शिक्षक भी आ गए अभी इसमें, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, अपना आइडेंटिफिकेशन अलग हो यार, ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी अगर शिक्षक और आगे ये मैं बताऊं आपको 3-4 लोगों को इसमें भर देंगे फिर आपका तो मुद्दा ही कौन हो जाएगा। वही 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 तो मतलब ये प्रॉब्लम वाली बात आ गई बीच में। कितना बड़ा गार्डन है ये गार्डन, तो खूब उसमें तो लाख लाख आ जाए, मेरी बात साइड में रख दे तो लोग जो है वो दूसरे वाले लोग है वो नहीं, अपने वाले लोग अभी कितने बैठे हैं इसमें, मतलब कितना भरा हुआ है? 10,000 तो है वो सेपरेट रख रहे हैं, 8,000 है लेकिन अभी बात किया है लेकिन उनको सेपरेट रख रहे हैं, सेपरेट कर दिया। हाँ 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 फिर तो ठीक है, वो ज्यादा थोड़ना है, कितने के लोग हैं उसमें अभी? वो तो 8-10 कोई 5-7 हजार होंगे अभी, 5-7 हजार होंगे इससे ज्यादा नहीं होंगे, 5-7 हजार जी वो। तो देख लो सुनो मैं बताऊं क्या जी वो, देखो सरकार को आप लोगों को तो सिर्फ डराना था, डराने का काम तो हो गया लेकिन अब दबाव बना के फाइलें ना जो उनका मूवमेंट फास्ट कराओ, और सबसे मेन काम है काम कराने का। देखो आंदोलन अलग चीज होती है और धरातल पे काम अलग चीज होती है, तो दोनों चीजों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा और बहुत दिमाग से काम करना पड़ेगा। अब ऐसे अपन आंदोलन तो कर लेती है दुनिया, किसानों ने भी आंदोलन खूब किया था, 1.5 साल वो पड़े ही रहे थे, 1.5 साल तो क्या पड़े रहे थे, थोड़े दिन पड़े रहे थे, फिर है ना 1.5 साल बाद मोदी ने अपनी मर्जी से ही किया जब करना था, लेकिन तब उस पे वोटों का दबाव आया है ना और इस तरह की चीजें आई राजनीतिक रूप से, तो ऐसा सिस्टम होता है ना वो क्रिएट करो कि भी इन पे दबाव आए। आंदोलनों से इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकारों के, अपन आज यहाँ पे 1 लाख भी इकट्ठे हो जाएंगे ना तो भी इनके इतनी विशेष फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव के टाइम जरूर फर्क पड़ता है, तो अभी ऐसा वक्त है नहीं कि इनको ज्यादा इफेक्ट इस चीज का पड़ेगा, तो अब आप अपनी अहमियत इस चीज की अपन को दिखानी बहुत जरूरी है कि भी आंदोलन चल रहा है। मान लो आदित्यनाथ जी को ये नहीं पता हो कि भी दो जी चलते हैं ऐसे कर्मचारी आंदोलन, तो कौन पूछ रहा है इनको, है ना, तो ये एक तरीके से दिमाग में रहता है इनके, अरे यार कर्मचारियों से चलते रहते क्या है उनकी डिमांड, देख लो छोटा मोटा कर दो ये कर दो, इसमें वो तरीका नहीं होना चाहिए। अपन जैसे सीएम के सामने ना पूरी बात रखें, सॉलिड तरीके से रखें और फिर तब बात बने। अब बताओ चिकित्सा मंत्री मिला तक नहीं है, बताओ कितनी बड़ी बात है अभी तक। नहीं इसमें जो चिकित्सा मंत्री की वाइफ है ना वो इस धरने के जो संगठन है ना उसकी वो है, वो भी मंत्री है संगठन की, चिकित्सा मंत्री की वाइफ ब्रजेश पाठक की वाइफ है। वाइफ वाइफ वो शामिल होने वाली, वो शामिल होने वाली संगठन के अध्यक्ष है वो, जारी हुआ है कि भाई 2 दिन में सीएचओ मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्ष है वो, टीकाकरण फिर इनका चिकित्सा मंत्री से वार्ता क्यों नहीं हो पाई, तो फिर अपनी वो बस पता ही नहीं, रात को कल इनको उठा ले गए हिमालय जी को, और उसके बाद में भाई 11-12 बजे तक इनकी वार्ता चली, उसके बाद में ये पहले तो खुश हो रहा था हिमालय कि भाई नहीं नहीं बोले मैं अपनी बात शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो कैसा करके, और फिर बाद में लेटर आया ना तो उसमें 4 पॉइंट ऐसे रखे जो मान ली जाएगी,
आपको भेजूंगा मैं, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं देख लिया मैंने, लेटर आ गया था मेरे पास, लेकिन ऐसा कोई मतलब वही लॉलीपॉप वाली बात थी, उसमें भी कोई वो लॉलीपॉप वाली सी थी, मैंने देख ली, वो यूं कह दिया कि आगे प्रस्ताव भेज देंगे हर चीज का प्रस्ताव, चलो प्रस्ताव भी भेजो लेकिन कम से कम कोई गारंटी तो दो साथ में, प्रस्ताव भेजे बिना तो होगा ही नहीं वो काम, उसमें वो प्रोसेस तो 15-15 दिन की प्रोसेस, एक एक महीने की प्रोसेस तो कम से कम उस फाइल में लगेगी, मैं बताऊँ दोनों तीनों फाइलों में, तीनों चारों में, लेकिन कम से कम कोई वो ढंग से सॉलिड की हाँ हम कर ही देंगे ये चीजें, ऐसा कुछ तो मिले कम से कम, चिकित्सा मंत्री कह देता अपने मुंह से तो ही मान लेते कि हाँ भाई हम कुछ ना कुछ करेगा अभी, है ना, कोई बयान नहीं कुछ और नहीं, वार्ता नहीं चिकित्सा मंत्री की, अब अपन एमडी के बेस पे कैसे मान लें, एमडी को तो पूरी सरकार चलाती है, अब एमडी को कुछ भी मना कर दिया, अब वो उसमें ही डाल रखा है कि वित्त विभाग से हम वो है भेजेंगे और वित्तीय भार कितना पड़ता है उसको देख के और उसके अकॉर्डिंग फैसला ले लेंगे, अब एक बात, अब वित्तीय भार तो पता नहीं तुम्हारे पे खूब पड़ेगा, वो कोई बात थोड़ा ना होती कि वित्तीय भार कम ज्यादा पड़ेगा, तुम तो गारंटी दो इस चीज की भाई समान कार्य समान वेतन के अनुसार जो है हम इतना तो कर ही देंगे, तुम चलो स्पष्ट मत, तुम ये मत कहो कि भाई हमें पूरा ही दे रहे हो, तुम हमें कम दे दो लेकिन कम से कम सच तो बताओगे भी कितना दे दोगे, वो तो कम से कम क्लियर करो स्थिति। दूसरी नियमितीकरण के लिए भाई कोई कैडर निर्माण हो, कोई 4800 ग्रेड पे की कोई फाइल हो, कुछ और हो, कोई उसका एक छोटा सा प्रूफ दे दो कि भाई हमने ये फाइल चला दी और तुम्हारे नियमितीकरण की प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं। अब चक्कर क्या हो जाता है मैं बताता हूँ आपको, चक्कर ये हुआ है कि तुम्हारे इसमें ना दूसरे संगठन भी है सारे और कर्मचारी संघ है बहुत सारे, अब वो जो है परमानेंट के लिए उन्होंने भी पहले चलवाई थी फाइल, मैं बताऊँ नियमितीकरण के लिए, अब वो क्या आगे रिजेक्ट आगे से, उसमें बकायदा फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि पहले भी इसके लिए हमने कुछ फाइल चलाई थी लेकिन वो फिर प्रोसेस हो नहीं पाई क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया था, फिर अब दोबारा से हम उस प्रस्ताव को भेज देंगे, यूं कह रहे हैं वो कि पहले रिजेक्ट हो गई थी नहीं तो अब हम वापिस उसको प्रस्ताव को भेजेंगे। अरे भाई जब पहले रिजेक्ट हो चुकी तो तुम प्रस्ताव क्यों भेजो, नए सिरे से नए तरीके से परमानेंट के नियम बनाओ ना, अब और सरकारें भी तो बना रही हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में, उसी की तरह से बना दो ना तुम संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का तरीका, तुम बाकी तो बाद में कर देना सिस्टम, एक कम से कम उस तरह की फाइल ही चला के देख लो भाई कुछ बैठ जाए सिस्टम, हरियाणा ने भी किया, राजस्थान ने भी किया है और एक दो स्टेट्स ने किया है, तो उस तरीके से ही कर दो तुम नियमितीकरण, वैसे नहीं कर रहे हो तो अब राजस्थान वाले तो एक साल बचा, एक साल बाद परमानेंट हो जाएंगे राजस्थान के सारे सीए, तो बकायदा चिकित्सा मंत्री ने खुद विधानसभा में जवाब दिया 6 दिन पहले, तो वैसे तुम जवाब दे देते कोई न कोई की विधानसभा में कोई क्वेश्चन लगवा दिया देते, उसके बाद है ना उस क्वेश्चन को लगाने के बाद मतलब जो है कोई ना कोई उसपे आ जाती चिकित्सा मंत्री की टिप्पणी या उसपे कोई ना कोई वो वक्तव्य आ जाता तो भी बहुत फर्क पड़ता, तो टिप्पणी ट्यूशन तो लगवाए थे अभी कि एक वीडियो आया भी था उनका, क्या नाम था चिकित्सा मंत्री जी का, नहीं चिकित्सा मंत्री नहीं थे कोई और थे आगरा के कोई अपोजिट पार्टी में, इसमें ये साइकिल वाले नहीं अपोजिट पार्टी वाले तो देखो तुरंत लगा देते हैं, पक्ष देखो विपक्षी साथी होता है शोषित वर्ग का हमेशा से, इस देश में यही तो दिक्कत रहती है, पक्ष वाले तो सुनते ही नहीं है ना, फिर सत्ता जिसकी बन जाती है वो सुनते नहीं है, हमने तो जो है ना सत्ता पक्ष से वो भी चिकित्सा मंत्री का एक वक्तव्य जब तक स्टेटमेंट नहीं आएगा ना तब तक कोई मानने योग्य बात ही नहीं है ये मान लो, तो उसके हिसाब से जो है फैसला लेना पड़ेगा, फिर फाइल पे मूवमेंट पे नजर रखना पड़ेगा, देखो आंदोलन आप लोगों ने कर लिया तो आपने अपनी स्ट्रेंथ इनको दिखाई दी, आप लिमिट से ज्यादा भी इनसे दुश्मनी मत लेना अभी, मेरा तो ये मानना है, बताऊँ क्यों, क्योंकि फाइलें वगैरह यही चलाएंगे, कहीं ये चिढ़ जाएंगे बोले आप कर नहीं दो इनको आंदोलन, कितना करते हैं ये, इतना भी मत कर देना आप लोग इन पे दबाव, कहते ना बोले चाटा दिखाते रहे हो तो चल जाता है सिस्टम, जब चाटा मार देते हैं ना तो फिर वो खुल जाता है सामने वाला की बस आप तो आ जा तू भी खुले मैदान में आ जाओ और हम भी, तो वो वाला सिस्टम भी मत कर देना आप लोग, थोड़ा सा करो ना अभी, तो या तो इनको देखो अभी करो तो देख लो, नहीं तो देखो 2 दिन बाद मैं तो आ ही जाऊंगा 2 से 3 दिन बाद है ना, और आप लोग है ना मेरे हिसाब से ये कह रहे हैं कि या तो यू कर लो कि इनको 15-20 दिन का समय देके और दोबारा एक बार इकट्ठे हो जाओ सारे, तब मैं पहले से ही आ जाऊँ 2 दिन पहले ही, और अपन इसको सामूहिक तरीके से जबरदस्त आंदोलन ठोक दे फिर, और पूरा काम ही वो भी पता चल जाएगा कितनी फाइलें करी कितनी नहीं करी, फाइलें नहीं करेंगे ना क्लियर आगे तक तो फिर ये क्या है, फिर अपन करेंगे आंदोलन, और मान लो कोई प्रूफ भी आ जाते हैं अपने पास कि ये काम भी हो रहा है वो काम भी शुरू हो चुका है तो तब तो अपन मान लेंगे हाँ चलो प्रोसेसिंग शुरू हो गई, अभी इन लेटरों से तो कैसे माना जाए,
सही है भाई, एक दिन में चल जाती। आप एक बार परसों के दिन जैसे भी दो दिन बाद में आप एक बार आओ, इनको गाइड करो थोड़ा सा, क्योंकि इनका अब कोई नेता नहीं रहा। आप एक बार गाइड कर देंगे तो ये गाइड भी हो जाएंगे हर बात से, तो आपका विश्वास हो जाएगा, तो आप नेता भी नहीं बनो तो मान लो डिप्टी सीएम से भी वार्ता होगी, सीएम से भी होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो भी आगे फोन करके आऊँ ना दिल्ली से, और दूसरा अपन है ना सीधा ये है कि भाई प्रोफाइलें चलवाएंगे सबसे पहले मूवमेंट में, जो बैठक है कमेटी बनवाएंगे बकायदा, उस कमेटी में अपने सीएचओ को शामिल करवाएंगे, ना कि और दूसरे कर्मचारी संघों को, क्योंकि ये तो दूसरे कर्मचारी संघ है ना, ये अब भीड़ है ना जैसे अपने सीएचओ की इकट्ठी हुई है, और वहाँ अंदर डिमांड और भी रख दी होंगी इन्होंने, और बोलो मैम गारंटी दे रहा हूँ। वही तो वो मजदूर संघ जुड़ गया था, मजदूर संघ का लगा है एक साथ में। मजदूर संघ का क्या लेना देना यार, क्यों जबरदस्ती में जोड़ रहे हैं लोग? फिर मजदूर संघ चलते हैं ना ये जितने भी मजदूर संघ और कर्मचारी संघ जितने भी, सब राजनीतिक चलते हैं, मैं बताऊं, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है। अब उस पार्टी का टैग लग जाता है ना कि ये तो विपक्ष दल वाले कर रहे हैं, तो फिर वो नेगेटिव मैसेज चला जाता है। इसलिए अपन को सीएम से और पाठक से मिलना बहुत जरूरी है। मान लो उनके दिमाग में मैसेज ये जा रखा होगी तो विपक्षी दल वाले करवा रहे हैं, ये तो राजनीतिक है, ये कोई मुद्दा नहीं है, तो जानबूझ के मुद्दा बनाया जा रहा है, तो फिर आपको फायदा मिलेगा ही नहीं। आप कितना ही जोर लगा लो, चाहे वो एनएसएम एमडी को कह देंगे कि इनका काम नहीं करना, अपन को चाहे कितना ही करने, तो इनको छटपटाने तो, क्योंकि इनको इसमें क्रेडिट तो बोले विपक्ष वालों को जाएगा, सपा वालों को जाएगा, या कांग्रेस वालों का जाएगा, या फिर कुछ और, तो फिर वो ऐसी तरह से हो जाती है। और ये ऊपर के नेता तो फायदा उठा लेते हैं इन चीजों में, जो कर्मचारी नेता होते हैं, क्योंकि विपक्षी दलों से मजबूत हो जाएंगे राजनीति में, लेकिन आप लोगों का भविष्य बेड़ा गर्क कर देंगे। आज तक मैंने जितने आंदोलन किए, किसी पार्टी के एक सिंगल आदमी को मैंने जाके ये नहीं कहा कि हमारी मांग उठाओ, आप विपक्षी पार्टी हो, सीधा अपन ही उठाते हैं मांग। और देखो राजनीतिक जहां हो गया ना थोड़ा सा भी, फिर वो आंदोलन पिट गया ही, मान लो खत्म हो गया, नए सिरे से उस आंदोलन को फिर करना पड़ता है, और राजनीतिक होने के बाद काम होगा ही नहीं, ऊपर से आदेश हो जाते हैं। तो कम से कम सीएम तक अपन ये बात तो पहुंचाए कि साहब हम विपक्षी दल और इनसे के खिलाफ हैं, सबके हम आपके ही पक्ष में हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में ये हो रखा है और ये हमारे साथ, हमें तो सीएचओ से मतलब है फिलहाल। स्पष्ट रूप से अपन एक ही बात कहें उनको कि हमें दूसरे संगठनों से कोई लेना देना नहीं है, ये तो दूसरे संगठन तो जबरदस्ती आ जाते हैं हमारे वहाँ पे, तो ऐसे करके फिर पूरा सिस्टम करना पड़े। और देखो सीएचओ का खुद का नेता ही मजबूत होंगे ना तो ही काम होगा, नहीं तो ये मजदूर संघों के इनके भरोसे ना तो आज तक किसी का कोई काम पहले हुआ और ना आगे होगा। राजस्थान में भी यही स्थिति थी पहले, अब अपन ने अलग तरीके से करके सीएचओ किसे जुड़ने ही नहीं दिया, इसलिए अपने काम होते गए। और अब सब संगठन ये चिढ़ते हैं कि ये सीएचओ ही सीएचओ के काम क्यों होते हैं और किसी के नहीं होते बताओ, इसलिए उनको दुख भी होता है। हालांकि यार ये सीएचओ ही क्या पूरी दुनिया में, जो रोज रोज इनकी कोई ना कोई काम हो ही जाता है। सही बात है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सिस्टम से दिमाग से चलना बहुत जरूरी है। बस ये कुछ जैसे रजिस्ट्रेशन का कोई इशू तो नहीं आया ना, ये जैसे मैंने सुना कि हिमालय जी का एसीएचओ का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था ऐसा कुछ, तो मैं कह यार ये तो सीएचओ का रजिस्ट्रेशन कैसे, संगठन का, इस संगठन का रजिस्ट्रेशन तो ऐसा कोई वो नहीं है इशू, 1% भी इशू नहीं है, ऐसे तो अपन ने ही दे रखी है अपने तरफ से संबद्धता इन लोगों को, तो अपना तो बिल्कुल वैलिड रजिस्ट्रेशन है। ये तो ये कर्मचारी संघ वालों का लगा दिया हो ना इन्होंने आगे, वही तो बात हो गई ना, इन्होंने ये इनका सहारा ले लिया तो फिर वो ऐड हो गए इनके, अब वो खुद फायदा उठा ले गए। अब मान लो उन कर्मचारी संगठनों में से किसी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रखा हो इन्होंने, तो भरोसा नहीं है, सरकार तो करवा सकती है वहाँ पे राज्य में, अपने राज्य में। अब वो इनसे संगठनों के रजिस्ट्रेशन से इनका कोई लेना देना नहीं होता, वो तो यूनाइट दिखती है जब 10,000 सी ये तो खड़े दिखते हैं ना 5,000 किसी के सामने, तो उसमें फिर संगठन वगठन की जरूरत ही नहीं होती, उसमें तो जो मेन नेता है ना कोई भी चला जाए, 5 नेता 10 नेता वही सर्वे सर्वाया उनको, उन्हीं के बेस पे फैसला करते हैं फिर ये लोग, ये डिमांड्स क्या रख रहे हैं इनके सबके मेन नेता जो हैं, वही संगठन की जरूरत ही नहीं होती। किसानों का आंदोलन हुआ था, कितनी वार्ताएं हुई थी, कौन से का रजिस्ट्रेशन था वहाँ पे, हर कोई जा रहा था वहाँ वार्ता में, ऊपर केंद्रीय के कृषि मंत्री से मिलने, नरेंद्र सिंह तोमर था उस टाइम कृषि मंत्री, मैंने ही करवाई थी 4 वार्ता, तो ऐसा नहीं होता कि भी अब तो इनको बस यूपी में तो अब एक लीडर की जरूरत है इनको भयंकर वाली की, भाई क्या करे अब वो सब, मतलब ये मानो कि बिना माँ बापों के हो गए, एट प्रेजेंट ये कंडीशन है, और टूट और गए अंदर से कि भाई क्या करे यार, बोले बताओ देखते हैं, मैं बात करता हूँ 2 दिन बाद तो मैं आ जाऊंगा। चलो दो दिन बाद आप आओ, इसको रिवाइंड करो, इसको रिवाइंड करो, मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ अभी है ना कुछ ही देर में। जी, वीडियो डाल रहा हूँ, और नहीं अगर 10 से 15 दिन का गैप दोगे तब तक उससे पहले मैं आ तो जाऊंगा, जैसे परसों पर लेकिन 3-4 दिन में आ जाऊंगा। फिर अपन है ना जैसे जो मेन 15-20 आदमी या 30 एक आदमी, और अपन राउंड अप करके
पूरी फाइलों का मूवमेंट चेक कर लेते कि मान लो इन्होंने काम शुरू किया कि नहीं किया, और अपन सीएम से मिल लेते 10 आदमी कोई भी, मैं ले चलता ऊपर से दिल्ली से फोन करा के आ जाता, आदित्यनाथ से मिल लेते और डिप्टी सीएम से मिल लेते, और उससे पहले फिर एक बार हिमालय का पता तो करो कि भाई क्या हो गया। उसे मतलब नहीं हिमालय का पता करने से, वैसे कोई मतलब नहीं है कितना उसे पता करने का मतलब नहीं है। आप बोस आप आओ दो दिन बाद और इनको थोड़ा सा लीड कर लो एक बार थोड़ा सा लीड तो देखो अगर आप लोगों का ये है ना कि भाई जैसे थोड़ा इनको समय देना चाह रहे हो सरकार को, है ना, वो डिसीजन आप आने के बाद एक बार थोड़ा सा इनको गाइड करके फिर उसके बाद ले लेना फिर वो। अच्छा ऐसे क्या, फिर दो दिन आप लोगों के वेस्ट होंगे तो फिर नहीं वेस्ट नहीं चल रहा है, आंदोलन तो चल ही रहा है, वो उनकी कार्रवाई कर रहे हैं, एक बार फिर आने के बाद और लोगों में थोड़ी मतलब जैसे आपसी गठजोड़ से बातें होगी कुछ दो बात आप समझाएंगे इनको तो इनके दिमाग में बैठेगी तो हाँ ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसा 10-20 लोग मिलके उसे जब तक लेटर जारी नहीं हो जाए ना। मैंने उसको हिमालय को एक बात कही थी, मेरी दो बार ही उससे टोटल बात हुई थी, मेरी पंकज से बात हुई थी, पंकज बोला कि भाई साहब मैंने जैसे आपने बोला वैसे ही बोला था मैंने इनको कि भी मैंने ये कहा था कि जब तक लेटर जारी नहीं हो जाए ना बकायदा और फाइलें नहीं चल जाए जब तक तुम वहां से नहीं उठोगे, देख लेना ध्यान रख लेना। अब उन्होंने इनको पता था नहीं, नॉलेज होगी नहीं इसको हिमालय को ज्यादा, तो उसने सोचा लेटर तो जारी हो ही गया तो अब अपने कोई दिक्कत नहीं है कर लो खत्म आंदोलन। अब उसको ये थोड़ा ना पता कि लेटर में आधी ज्यादा गोली दे रखी है 70%, स्पष्ट रूप से कुछ ढंग से लिखा ही नहीं है कि भी ठीक है हम समान कार्य समान वेतन पे वित्तीय भार के, तुम तो यूं कह रहे हो कि वित्तीय स्वीकृति मिली नहीं, मना कर दिया वित्तीय भार वालों ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, क्योंकि फाइल 3 जगह जाएगी अभी, विनियमितीकरण की हो चाहे वित्त स्वीकृति की हो चाहे, तो एक तो कार्मिक विभाग जाएगी पहले एनएचएम से हेल्थ सेक्रेटरी के पास जाएगी, एसीएस जो है उसके पास है ना, उसके बाद एसीएस से सीधी जाएगी ये डीओपी में, कार्मिक विभाग होता है जहाँ से कर्मचारियों के नियम बनते हैं, उनकी सैलरियां डिसाइड होती, पूरा सिस्टम जो सरकार का कार्मिक विभाग होता है वहीं से कर्मचारियों का सारा सिस्टम होता है, फिर कार्मिक विभाग से जाएगी लॉ डिपार्टमेंट में, वहां पे रूल्स बनते हैं सारे के सारे कि भाई, और एक जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट में वहां से वित्तीय स्वीकृति के लिए, तो दो दो जगह पे, तो फाइल फिर वापस मूवमेंट करके आएगी, फिर कार्मिक विभाग में वापस बैठक होगी कि भी इसमें समीक्षा बैठक होगी कि भाई इनके इतने पैसे बढ़ाते तो कितना वित्तीय भार हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये पूरा तरीके से सारा सिस्टम होगा, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता वहां पे होता तो, लेकिन अब लंबा मामला है पूरा, कम से कम है ना जो 3-4 डिमांड है ना ये और स्पॉट तो पूरी होंगी नहीं देखो, पर ये है कि इनमें समय लगेगा कम से कम 1-1 महीने का, अब एक में तो 6 महीने से कम नहीं लगेगा जो फर्स्ट डिमांड है नियमितीकरण वाली, लेकिन कम से कम फाइल तो चले भाई ट्रेडर की और दूसरी फाइल चले भाई नियमितीकरण के हिसाब से कि भाई जो आप अपन सुझाव दें, इनको क्या करा कराए चाहिए, सरकारी आदमी काम नहीं करते मैं बताऊँ 90% 10% लोग काम करने वाले हैं, तो इनको सब कुछ जैसे अपन नियम भी बना के देते ना इनको कि साहब इस तरह के राजस्थान में नियम बने हुए हैं तो इन नियमों को आप फॉलो अप करके देखो देखें, अब क्या पता इस तर्ज पे अपन परमानेंट हो सकते हैं, तो ऐसे इनको 3-4 चीजों के और पूरे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने, मोटी सारी फाइल है मैंने बना रखी है, वैसे ही उनको प्रेजेंटेशन देनी पड़े बहुत जबरदस्त, फिर उसमें से थोड़ा जो इनके मेन आदमी है वो बैठ के उस पर देखें पढ़ें कि हाँ यार ऐसे हो सकता है, करा कराया तो ये इनको सब कुछ तो वो करा कराया भी दे देंगे अपन तो, और सरकार को जैसे ही करा कराया मिल जाता है ना फिर सरकार उसको तुरंत करने में सक्षम भी रहती कि चलो यार यही कर दो देखी जाएगी इस तरीके से हो जाए तो भी बढ़िया है, तो वो भी करने को कोई मना नहीं करती सरकारें, केंद्र सरकार से भी बजट की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा बजट अगर आ रहा है ना फिलहाल तो आयुष्मान भारत के लिए आ रहा है, और सीएचओ का एक सिंगल मैंने ना सिंगल डे एक पेमेंट पूरे इंडिया के लिए बजट नहीं रुकने दिया आज तक, हमेशा दिल्ली पहुंच जाता हूं हर दूसरे महीने में, इतना दबाव है अपन लोगों का वहां पे, तो फिर है ना, और ये मान लो राजस्थान की वजह से ही है ये पूरा, नहीं हो भी नहीं सीएचओ वर्ड को पूछे भी नहीं तो, और पूरे राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में कुदवा दिए इस वर्ड को, और धीरे धीरे करके सारा सिस्टम करेंगे, डॉक्टर्स भी बहुत विरोध करते हैं अपन लोगों का, हाँ बिल्कुल, कोई नहीं चाहता कि जूनियर डॉक्टर के रूप में ये लोग आ जाएं गांव में, फिर उनको कौन पूछेगा डॉक्टर को, है ना, सही बात, दिक्कत ये हो गई, और अपना टेलीकंसल्टेशन करवा दिया इन्होंने, नहीं तो ना अपना डायरेक्टली जो मेडिसिन लिखने का था 122 मेडिसिन का करवा लिया था मैंने, फिर 108 का करवाया इन्होंने, फिर टेलीकंसल्टेशन से करवाया इन्होंने, बहुत विरोध करते हैं ये अपना, जब अपन सीएसओ वर्ड लेके आए थे ना 2017 में 2018 में, तो 2015-16 में हम दिल्ली जंतर मंतर जब आंदोलन बैठे थे ना
डॉक्टर हमारे सामने आके बैठे कि कैसे दे दोगे आप इनको। तो मैंने आयुर्वेद वालों को भी साथ लिया था, उन्होंने भी ये किया था कि भी आयुर्वेद वाले बोले थे कि भाई साहब हम भी आपके साथ बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हमें भी एलोपैथी मेडिसिन लिखने का अधिकार दो। तो मैंने कहा तुम भी साथ आ जाओ और नर्सिंग वाले भी साथ हो जाते हैं। फिर उस टाइम वो आयुर्वेद वाले से जुड़ गए उस टाइम। फिर बाद में कई होम्योपैथिक वाले वो लोग कहने लग गए हमें भी जुड़वाओ, हमें भी जुड़वाओ। मैंने कहा पहले आते यार, हमने तो बनवा लिए नियम। तो उस टाइम नर्सिंग और आयुर्वेद को तो जोड़ दिया इन्होंने, बाकी को जोड़ा नहीं इन्होंने उस टाइम 17-18 में। उस टाइम जेपी नड्डा जी थे केंद्रीय चिकित्सा मंत्री।